जो घर छोड़ करके भाग गए हैं, जो घर नहीं चला पाए हैं, वो देश क्या खाक चला पाएंगे। भाजपा के लोग कहते हैं शेर को पालने में खर्चा होता है। प्रधानमंत्री शेर हैं तो शेर को पालने में खर्चा होता है, इसीलिए 32 रुपए लीटर का पेट्रोल जो है 110 रुपया में बिक रहा है। 32 रुपया दाम है और बाकी का जो रुपया है टैक्स के रूप में आपसे वसूला जा रहा है, और वो पैसा प्रधानमंत्री जी के सूट बूट के ऊपर खर्च किया जाता है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ बोल करके हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं, ऐसे नहीं चलने वाला है साहब। प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है। मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े का पोस्टर लगा दिया है। हमने कहा कि देखिए हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे भाजपा का, इतना टुकड़ा करेंगे ना कि फिर ये फेबी कॉल क्या फेबी क्विक लगाने के बाद भी ये जुर नहीं पाएगा। कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो लोग इस देश की आजादी में शामिल नहीं थे, जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, उनको इस देश की आजादी से प्यार भी नहीं है। कहते हैं ना जो बनाता है उसी को दर्द होता है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है, तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। यह बेईमानी है, यह बेईमानी दिन रात हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि इस बेईमानी के खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अक्सर हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या विकल्प है, भाजपा का क्या विकल्प है। मैं कहता हूं बीमारी का विकल्प नहीं इलाज होता है, और भाजपा का इलाज कांग्रेस है, इस बात को याद रखिएगा। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री जी देश की सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि यह लड़ाई देश और दोस्त के खिलाफ है, यह लड़ाई बेचने और बचाने वालों के खिलाफ है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। जिन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, आप मुझे बताइए राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है भाई। आज ये जो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंसान को इंसान से बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे इंसान को आपस में लड़ा रहे हैं, और देश का जो असली मुद्दा है उसको गुमराह कर रहे हैं। आप सोच करके बताइए कि अगर संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूरी की पूरी संविधान सभा यह प्रावधान नहीं करती कि सबका वोट बराबर होगा, तो आपको लगता है कि आपकी गंदी बस्तियों में कभी चमचमाती कार पे बैठकर कोई हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने के लिए आता। जब मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जब अपने घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, एक ही नदी में जब साथ में नहाने नहीं दिया जा रहा है, एक ही कुएं में जब पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, तो नेता हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने आते। ये डेमोक्रेसी की ताकत थी। धीरे 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 हम वोट तो दे सकते हैं लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आम इंसान चुनाव से बाहर कर दिया गया है, अभी चुनाव लड़ने से बाहर किए हैं, कल वोट देने से भी बाहर कर दीजिएगा। आपको मैं पार्लियामेंट की हालत बताता हूं। पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 200 ऐसे एमपी हैं जो लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति हैं, अरबपति। सरकार आखिर हम क्यों चुनते हैं?
आप सोच करके बताइए कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे, अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे, जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे। और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे, ढोलक बजाएंगे, क्यों टैक्स देंगे सरकार को, सरकार का सूटबूट खरीदने के लिए टैक्स देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है और उस हवाई जहाज की कीमत कितनी है, 8,500 करोड़, और अभी 12 करोड़ या 16 करोड़ का कार खरीदा है, 16 करोड़ का कार खरीदा है, काहे भाई, तो सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी। 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। इधर उधर की बात में मत फंसिए, प्रचार प्रचार होता है, इतिहास को याद कीजिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम लड़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, हम लड़ेंगे अपनी आजादी की सुरक्षा के लिए, हम लड़ेंगे अपने संविधान की रक्षा के लिए, और इसको हर कीमत में बचाएंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो बिगाड़ने वाला होता है बचाने वाला उससे बड़ा होता है, बेचने और बचाने की लड़ाई में बचाने वालों की जीत होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद कहते हुए, शुक्रिया अदा कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा।